দেখ মাগা সঙ্গে। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, और क्या क्या बोला जा सकता है हमको नहीं मालूम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको दूसरे व्लॉग, नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से शुरू होता है दुर्गा पूजा। यस माय डियर फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा जिसके लिए हिंदूस पूरे के पूरे एक साल इंतज़ार करते हैं। क्या आप इंतज़ार करते हैं? हम तो इंतज़ार करते हैं भाई। इस चार पांच दिनों के लिए पूरा माहौल ही बदल जाता है। एंड खाना, नए कपड़े, एन्जॉयमेंट, ट्रैवलिंग, फन एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं है। और पंडाल में जाना, प्रसाद खाना, इट्स लाइक इनसेन, यू नो, टोटल फन, मैडनेस तो नहीं बोलूँगा, पागलपन तो नहीं है, बट पागलपन से एक लेवल डाउन, लेकिन फन अनलिमिटेड। गोलमाल तो नहीं है, लेकिन फन अनलिमिटेड है, याद रखना, फन अनलिमिटेड। धूप, सुबह सुबह धूप बहुत ज़्यादा आ गया, सुबह सुबह धूप बहुत ज़्यादा आ गया, आप देख सकते हैं, हम फेस भी पसंद आने लगा है। और मुझे ड्यूटी में दो दिन का छुट्टी मिला है, दशहरे का दिन छुट्टी नहीं मिला है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ का मतलब से आपको शायद आइडिया लग गई क्या होगा, अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना अच्छा है। और कुछ मेरा कुरियर में सामान भी आया है, एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जो बेलापुर का लोकल कुरियर है, स्पेशली मैं कुरियर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुरियर क्या कहते हैं, मैं सामान ऑर्डर करता हूँ और वो कुरियर बॉय जो होता है वो खुद से ही सामान को कैंसिल करवा देता है। तो आज मैं थोड़ा ऑफिस में जाके थोड़ा सीन किया है, वाह सीन किया है, क्रिएट करना पड़ेगा, समझ गए। अरे भाई, इम्पोर्टेंट सामान होता है, कुरियर बॉय ने सारे के सारे कैंसिल कर देने से थोड़ी ना होगा। गजब गजब कुरियर है, पर वो ये जो कुरियर है, डिलीवरी बॉय जो होता है, मैंने आपको ऑलमोस्ट नाम बता दिया है, आप हिंट ले लीजिएगा। मैंने आपको नाम बता दिया कौन सा कुरियर का नाम हो सकता है, मैंने ये तीन वर्ड अभी बोला था, कुरियर जो है, डिलीवरी बॉय जो है, शायद नाम बता दिया है। हाँ, मेरा कुछ कपड़े तो आ गए, लेकिन एक्चुअली मेरे कपड़े तो आ गए, मेरे कपड़े भी आ गए, जूते भी आ गए, लेकिन बाकी जिसके मैंने जो भाई चाचा सब वगैरह के लिए कुछ और घर का भी सामान ऑर्डर किया था, वो भी क्या बताऊँ। हाँ, यस, मैंने अभी स्क्विड गेम कल रात को ख़त्म कर दिया। देखना, क्या आपने देखा? नहीं देखा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, स्पॉइलर देने से आप यार मजाक ख़राब कर दे, लेकिन यस, यू शुड सी इट योरसेल्फ, आप खुद ब खुद देख लीजिए। धूप बहुत दे रहा है आज, कुरियर ऑफिस में जाते जाते बहुत काफ़ी दूर है, इतना सामने भी नहीं है, पसीना छूट जाएगा। टोपी भी कहा रहा था घर में, ढूंढ के नहीं मिल रहा है, क्या बताएं अब आपसे। हाँ, यही है, बस चल रहा है दिन, कट रहा है दिन, और देखते हैं अभी अभी कुछ दिन एंजॉयमेंट बिल्कुल होगा, फाड़ू होगा, बिल्कुल फाड़ू, ताबड़ तोड़। और कल रात शायद मैं सोते सोते, चल कल सुबह हो गया, सोते सोते आई स्लेप्ट, मैं सोया था लगभग आपका दुर्गा पूजा के बंदूक का आवाज़ आपको सुनाई देने लग गया होगा, ठाए ठाए ठाए, उसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में टिकली बंदूक, ठीक है, टिकली बंदूक, ठाए 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 करके फूटता है वो, उसमें थोड़ा रिस्की होता है, स्पार्कल्स निकलते हैं, आग आग के स्पार्कल्स निकलते हैं। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, हाँ कल रात को मैं सोया था,
ऑलमोस्ट 3:40 रात भी नहीं बोल सकते, पूरा अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया है, पूरा अर्ली इन द मॉर्निंग सो गया था। स्क्विड गेम देखने के बाद और एक मूवी देखा था दिल दे रखने दो, वो देख के सोया हूँ, ठीक है वो देख के सोया। और वहाँ पे बच्चे हैं कि पटाखे फोड़ रहे हैं, ओ देखिए छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप, ओ छोटे छोटे बच्चे इधर पे क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं वो मेरे को देख के क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहा हूँ मैं लगे रहिए हमारे साथ आज फुल डे, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ फन बेबी, कंटिन्यू विद मी। और अभी हमें थोड़ा नाखून वाखून काटना है, थोड़ा ट्रिमिंग विमिंग करना है, थोड़ा पूजा आ रहा है, थोड़ा सेटिंग करना ज़रूरी है। सेटिंग मतलब अपना सेल्फ ग्रूमिंग, यस वो ज़रूरी होता है, आप भी कीजिए बिल्कुल, जैसे बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी नेसेसरी। यस सी यू लेटर आफ्टर ग्रूमिंग सेशन। अभी बहुत गर्म है, ताबड़तोड़ गर्म, और रास्ता बन रहा है, 2 महीना लॉकडाउन के समय रास्ता तोड़ा था तब नहीं बनाया था, अभी दुर्गा पूजा है शायद इसीलिए बन रहा है। और अभी छोटे भाई के बाल कटा हूँ मैंने उसका, अभी गौतम का दुकान में जाऊँगा, थोड़ा इन्जॉय करूँगा, रिलैक्स करूँगा, अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो घूमना तो चाहिए ना, क्यों क्या बोलते हो। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक बन के कम्प्लीट हो चुका है, और सबसे सही चल रहा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, देखते कब तक रास्ता बन के ख़त्म होता है। हेलो, अभी थोड़ा बाहर से घूम के आए कि एक पार्सल भी आया है, ये मोटा सा लंबा सा, ये रूम फ्रेशनर भी आया है, ऑफर में ख़रीदा था ये, इसको ख़रीदा था कितना है मेरे को अभी, इसका प्रिंटिंग प्राइस है 380, मेरे को इसको 220 रुपये में मिला है। ये अमेजोन का क्या होता है, बहुत फास्ट डिलीवरी करते हैं, ऊपर से हम प्राइम का मेंबर जो हूँ, समझ गए प्राइम का मेंबर हूँ इसलिए ऐसा डिलीवरी फास्ट होता है। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हूँ, काफ़ी सारा चीज़ ऑर्डर दिया हूँ लेकिन शिप ही नहीं होता है यार। और सुबह मैंने कुरियर के बारे में बहुत कुछ बताया ही था आपको सारा कांड, अभी भी मेरे को एक मैसेज आया हुआ है, जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले ही आया है कि अनडिलीवर्ड, समझ रहे, अभी शाम को जाऊँगा जाकर पेलता हूँ थोड़ा। खाना खा लेता हूँ, ठीक है उसके बाद आपसे मिलते हैं। इस बार से पहले मेरे को दुर्गा पूजा में इतना गर्मी कभी भी नहीं लगा, पसीना चूर चूर होकर निकल रहा है, ठीक है चूर चूर होकर निकल रहा है। मैं अभी नहीं तो बहुत पहले ही आया हूँ, ये आपका स्टेडियम पे आया था, लेकिन हवा का तो नामो निशान नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, और गर्मी बहुत। और दुर्गा पूजा का काफ़ी सारे लाइटें उस तरफ लग चुकी है, क्योंकि आज शाम भी छोटा मोटा एक पूजा है, कल से पूरा हैवीली पूजा है। और मेरे को पहले तो 2 दिन का कन्फर्मेशन मिला था, आज तो 3रे दिन का भी छुट्टी मिल गया, तो 5 दिन का छुट्टी, बॉस काम क्लास, एंजॉय नो। पंडाल तो बहुत अच्छी तरह से सजाया मेरे पीछे ही है, लेकिन आप मेरे को देख सकते हैं, हमको पूजा भी बहुत, पूजा नहीं पसीना तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, चुर चुर के आ रहा है, हम आप देख ही पा रहे हैं, लाइटिंग काफ़ी सारा लग रहा है, लाइटिंग का कुछ इश्यू हो रहा है, तो वो लाइटिंग का फिक्स भी कर रहा है, वो वायरमेंट जो है फिक्स भी कर रहा है। तो देर बाद एक भाई से मिलने जाऊँगा, ये बंदा अभी बस अभी दुकान खुला है, मैं आया वहाँ पर पंडाल देखा, मटकी को देखा, साथ ही साथ इसने दुकान भी खोल दिया, व्हाट ए कोइंसिडेंस, ये सही बोला ना, कोइंसिडेंस के साथ पसीना भी बहुत है। अभी के वेदर रिपोर्ट चेक किया तो कितना दिखाया, फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस, सोच पा रहे 10 मिनट ना करूँ,
नहा रहा था, नहाने के साथ साथ पसीना भी आ रहा था। यही है गर्मी, हाई गर्मी। पहले देख मांगा संगा रोशनी मुझे मन आरोग्य लगना बड़ा बुद्धि बात हेलो हाँ, मूर्ति को वहाँ पे मंडप पे रख के स्कूटी का तेल भराने आए हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आए हैं, हम लोग का इलाका पेट्रोल, आपको मालूम है पेट्रोल पंप के बारे में, इसका तेल का प्राइस कितना है अभी, शायद 93 है या 101 है, हमको कुछ पता नहीं लग रहा, हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं 93 है या 101 है, हमको नहीं पता कौन सा डीजल है और कौन सा पेट्रोल है, कुछ पता नहीं है। कौन था 101 नहीं 93 पेट्रोल बस 103 सेंचुरी क्रॉस कर दी, डबल सेंचुरी का इंतजार है। सॉरी, गुड मॉर्निंग। और आज है दुर्गा पूजा का सेकंड डे और अभी हम काजू खरीदने जा रहे हैं मार्केट में। घर में आज बटर पनीर बनेगा और धूप बहुत कड़क दिया था कल, आज भी शायद लग रहा है वैसा ही कड़क दिया। बाम्बू घुसने का है, बाम्बू ये उसी पसीना पसीना आ गया ना, पसीना पसीना गया। अभी एक छोटा मोटा सा एक ट्रेजिक नहीं बोल सकते, अजीब सा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। एक बंदा, ट्राइबल बंदा गाड़ी से उतर के मेरे पास आ गया, आके बोलता है क्या क्या कहानी मेरा, मैं उसका बहन के साथ भाई के साथ पढ़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, और लास्ट में मेरे से पैसा मांग रहा था 120 रुपया, और क्या कर रहा था भगवान जाने, कहाँ से आ गया था वो और मेरे से पैसा मांग रहा था, क्यों मांग रहा था कैसे आई डोंट नो। पर यहाँ काजू 50 रुपीस फॉर आई थिंक सो 50 और 100 ग्राम, व्हाट इज द ग्राम, आई थिंक सो इट्स 50 ग्राम, आई गॉट इट, आई होप यू गॉट इट।